जैसी डिफरेंशिएशन का टॉपिक करांगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन देखांगे पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दी। हुण लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दे विच फॉर्म कही हुंदी है, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। जदों वेरिएबल दे उपर पावर वेरिएबल आ जाए, तुहानू एक थोड़ी जिही लास्ट इधर साइड ते एग्जाम्पल दस दवां। जिस तरां सपोज कर लो मेरे कोल एक्स दे उपर एक्स आ जांदा, हुण ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, या फिर एक्स की पावर वाई आ जांदी है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, या वाई रेज टू पावर एक्स आ जांदा है, या मेरे कोल साइन एक्स दे उपर एक्स आ जांदा है। मतलब जो होर भी बड़ी एग्जाम्पल्स है जिस तरह मर्जी लै सकते हैं, जिस तरह हूँ एक्स के उपर लॉग एक्स आ सकता है, होर भी फॉर्म्स है जो वेरिएबल के उपर पावर वेरिएबल आएगी, ठीक है, उन्होंने जिन्होंने असी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, वह मैथड होंगे उन्होंने सोल्व करन दा, ठीक है। मैथड की है, नाम तो पता लग जाता लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब असी लॉग यूज करना ये, ठीक है, लोग ये यूज करना होगा। हूँ एक तुम एग्जाम्पल करा लगे, उतो पता लगेगा आर्टिकल टाइप ही है। एग्जाम्पल फस्ट है डिफरेंशिएट एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। एफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स है, जी एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, एफ एक्स है पावर जी एक्स है, वेरिएबल के उपर वेरिएबल है, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। असी यदि डिफरेंशिएशन करनी विद रिस्पैक्ट टू एक्स, शुरू किस तरह करना है, बाकी समझ भी इस तरीके है जो है सब में। सब तो पहला तो जो सानू स्टेटमेंट हैगी उन्होंने सिवाई लैके चल पैना, लैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। अगला स्टैप टेकिंग लोग बोथ साइड्स, दोनों साइड ते लोग ले लो, ए भी लोग लगा लेना, ए भी लोग लगा लेना, यह लगाया टेकिंग लोग बोथ साइड्स का मतलब है दोनों साइड ते लोग ले लेना है, ठीक है। इधर लैफ्ट साइड ते आ जाएगा मेरे को लोग वाई, इधर राइट साइड ते आ जाएगा लोग नाल एफ एक्स, उपर पावर किन्नी हैगी है जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। हूँ तुहानू लोग दे फॉर्मूले कराए सी, जिहड़े डिफरेंशिएशन दे फॉर्मूले नहीं है, लोग दे फॉर्मूले है। एक फॉर्मूला तुहानू यह कराया सी लॉग लॉग एम रेज टू पावर एन, फॉर्मूला हुंदा है पावर जिहड़ी अगे आ जांदी है, फॉर्मूला हैगा सी एन लॉग एम, यह फॉर्मूला सी जिहड़ी पावर सी अगे आ जांदी है। तो इहदे विच भी असीं यही करना है, जरा जी एक्स होएगा वो अगे आ जाएगा लॉग एम रेज टू पावर एन, की फॉर्मूला लगेगा एन लॉग एम, मतलब लॉग दे नाल यह चीज़ जुड़ी रहनी है, तो जो भी पावर हैगी वो अगे आनी है। फॉर्मूला हुंदा लॉग एम रेज टू पावर एन, फॉर्मूला हुंदा एन लॉग एम, यह फॉर्मूला बार बार यूज होना है जो असी इस टाइप की फॉर्म करांगे, ठीक है, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो असी करांगे। उस तो अगला स्टैप की है, इधर लॉग वाई तो लॉग वाई ही है, इधर फॉर्मूला लग गया लॉग का, लॉग एम रेज टू पावर एन, एन लॉग एम। हूँ असी डिफरेंशिएट करन लगे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, असी डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पर डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पैक्ट टू एक्स। जो असी दोनों साइड पर डिफरेंशिएशन करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स, लॉग वाई की डिफरेंशिएशन की होएगी वन ओवर वाई नाल वाई की अलग डी वाई ओवर डी एक्स। तो इधर किस तरह डिफरेंशिएशन करांगे, तुहानू एक फॉर्मूला होर कराया है यू इंटू वी फॉर्मूला, यू इंटू वी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, फॉर्मूला हुंदा यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी डी एक्स ऑफ यू। इस तो अगला स्टैप है, जो मैं डिफरेंशिएशन करन लग्गिया वां लॉग वाई दी की डिफरेंशिएशन आएगी वन ओवर वाई, लॉग वाई दी की डिफरेंशिएशन आएगी वन ओवर वाई नाल वाई दी अलग डी वाई ओवर डी एक्स। तो यह जी एक्स के लॉग एफ एक्स विच यू इंटू वी फॉर्मूला, यू इंटू वी फॉर्मूला की होंगे यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस फिर वी डी डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, इस तरह करनी असी डिफरेंशिएशन, मतलब यह फॉर्मूला लगाना है यू इंटू वी फॉर्मूला। हूँ यू इंटू वी फॉर्मूला जो लगाया है लैफ्ट साइड से तो मेरे को आ गया, ठीक है, लॉग वन ओवर वाई नाल डी वाई ओवर डी एक्स, जी एक्स का जी एक्स आ गया। लॉग एफ एक्स की डिफरेंशिएशन किस तरह करांगे, लॉग यू वाला फॉर्मूला जो तुम लिखाया डिफरेंशिएशन का, लॉग एफ एक्स वास्ते लॉग यू का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, डी डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन करनी। लॉग एफ एक्स की डिफरेंशिएशन होएगी वन ओवर एफ एक्स, लॉग यू की होंगी है वन ओवर यू नाल डी डी एक्स ऑफ यू, लॉग एफ एक्स की होएगी वन ओवर एफ एक्स नाल डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस फिर लॉग एफ एक्स सेम आएगा, डी डी एक्स कि करना अभी जी एक्स का,
जी एक्स दी की डिफरेंशिएशन होएगी, जी एक्स की डिफरेंशिएशन होएगी जी डैश एक्स। जो किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी हो डैश पा देता जी डैश एक्स। अगला स्टेप ए वन ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स सेम आएगा, जी एक्स का जी एक्स ही रहेगा, एफ एक्स नीचे आएगा, मतलब जी एक्स उपर वन ना मल्टीप्लाई हो गया जी एक्स आ गया, नीचे किन्ना आ गया एफ एक्स। असी डी डी एक्स करना एफ एक्स का, ठीक है। एफ एक्स की डिफरेंशिएशन होंगी है एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ एक्स की डिफरेंशिएशन होंगी है एफ डैश एक्स। हमने तुम्हें समझाया कि जो किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी हो डैश पा लेंद, एफ एक्स की डिफरेंशिएशन होएगी एफ डैश एक्स। ए सेम आ जाएगा, ए सेम आ जाएगा। अगला स्टेप जरा लैफ्ट साइड पर वाई होंगे, ए वाले वाई में इधर लैके आ जाओ, क्रॉस जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाला वन ओवर वाई है, ए वाई ने इधर आके मल्टीप्लाई होना उपर, ए वाई में इधर लैके आवेंगे तो बाकी सारे असी ब्रैकेट च पा लेंगे, ए पाया। फिर इतने वाई की वैल्यू पुट कर लो, वाई की वैल्यू कि पुट करनी है जो असी स्टेटमेंट लैके चले सी वाई, पहली स्टेप ही वाई असी कि मन के चले सी एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स नू, वाई दी एगा वैल्यू पुट कर दो एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, बाकी ब्रैकेट के बीच सेम आएगी वैल्यू, ठीक है। यह मैथड हैगा लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, वाई की वैल्यू असी यह लगाई है, वाई असी जो शुरू मने से एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, वो वाई की वैल्यू असी इतने लगा देनी है एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, ठीक है। यह फॉर्म हैगी साढ़े को लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन की या वेरीएबल रेज टू पावर वेरीएबल वाली फॉर्म की, ठीक है। एक एग्जाम्पल होर देखांगे इस रिलेटेड ही, हुण मेरे को नैक्सट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल टू है डिफरेंशिएट एक्स रेज टू पावर एक्स वेरीएबल रेज टू पावर वेरीएबल विद रिस्पैक्ट टू एक्स। मैं यदि डिफरेंशिएशन करनी है जो तुहानूं पहला स्टैप दस्सिया, पहला तैनूं वाई मन के चलांगे, लैट वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, लैट वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। अगला स्टैप टेकिंग लोग बोथ साइड्स, दोनों साइड से लोग लो, ए वाई दे नाल भी लोग लगा लेना, इधर भी एक्स की पावर एक्स के नाल भी लोग लगा लेना होगा, लोग वाई ने लोग वाई ही रहना, इधर फॉर्मूला लगेना जो हमने दसिया सी लॉग एम रेज टू पावर एन, पावर अगे आ जाएगी। दोबारा फिर मैं लिखन लग्या कि फॉर्मूला लगाते पे लोग का, लॉग एम रेज टू पावर एन फॉर्मूला होंगे एन जी पावर है वह अगे आ जाती है, लोग एम दे नाल जुड़िया रहिंदा है एन लॉग एम, तो वह लगने लगना ये फॉर्मूला इस फॉर्म के लॉग एम रेज टू पावर एन, जो भी पावर हैगी अगे आ जानी है, लॉग एक्स सेम रहेगा। अगला स्टैप जदों असी फॉर्मूला इधर अप्लाई करता, हूँ असी डिफरेंशिएशन करन लगे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, लॉग वाई की डिफरेंशिएशन आएगी वन ओवर वाई नाल वाई की अलग डी वाई ओवर डी एक्स। राइट साइड पर किस तरह डिफरेंशिएशन करांगे, जिस तरह पिछले एग्जाम्पल च समझाया यू इंटू वी फॉर्मूला, यह मेरा यू है यह मेरा वी है, यू इंटू वी फॉर्मूला, यू इंटू वी फॉर्मूला की है यू सेम आएगा, डी डी एक्स असी कि करांगे वी का, डी डी एक्स कि करांगे वी का, प्लस फिर वी सेम आएगा डिफरेंशिएशन कि करांगे यू दी, फॉर्मूला का यू डी डी एक्स वी प्लस वी डी डी एक्स यू, ठीक है। अगला स्टेप ए वन ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स सेम रहेगा, एक्स सेम आएगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होंगी है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन वन ओवर एक्स, लॉग एक्स सेम आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन होएगी वन, ए वाले एक्स नाल एक्स कैंसल हो जाए मल्टीप्लाई का साइन हो कटिंग हो जाती है, यह जरा वन ओवर वाई है, ए वाले वन 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 ओवर वाई में इधर लैके आ जाओ क्रॉस जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाला वन ओवर वाई, वाई ने इधर उपर जाके मल्टीप्लाई होना है, ब्रैकेट च की बचेगा इतने वन बचना है प्लस नाल कि आएगा मेरे को लॉग एक्स, फिर इतने वाई की वैल्यू पुट कर लेनी है, वाई की वैल्यू की है जो शुरू च मन के चले सी वाई की गा सी एक्स रेज टू पावर एक्स, वह असी वाई की वैल्यू इतने लगा देनी है, वाई की वैल्यू की लगाती एक्स रेज टू पावर एक्स नाल ब्रैकेट के वन प्लस लॉग एक्स सेम रह गया। हरेक जिन्हें भी इस टाइप के सम करांगे तुहानू लॉग लेना ही पैना, तो लगभग यह फॉर्मूला भी यूज होना लॉग एम रेज टू पावर एन एन लॉग एम, तो इधर यू इंटू वी भी फॉर्मूला लगभग यूज होना होगा जी इस फॉर्म के करांगे। होर भी एग्जाम्पल देखते हैं, नैक्सट असी एग्जाम्पल देखते हैं डिफरेंशिएट साइन एक्स रेज टू पावर कॉज एक्स वेरीएबल रेज टू पावर वेरीएबल, साइन एक्स के उपर पावर कॉज एक्स है विद रिस्पैक्ट टू एक्स असी की डिफरेंशिएशन करनी है। सोल्यूशन दे विच की है, पहला तैनू वाई मन के चलांगे पूरे नू, लैट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर कॉज एक्स। अगला स्टैप टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड से लॉग लै लेने हैं, वाई दे नाल भी लॉग लै लेना है तो इधर वी दे नाल भी लॉग लै लेना होगा, लॉग वाई का लॉग वाई ही आएगा,
ते राइट साइड ते किन्ना आ जाएगा मेरे को सेम फॉर्मूला लॉग एम रेज टू पावर एन, पावर अगे आ जाएगी ठीक है, आ जाएगा एन लॉग एम। इस तो बाद असी करनी डिफरेंशिएशन, लॉग वाई दी की डिफरेंशिएशन होएगी वन ओवर वाई नाल डी वाई ओवर डी एक्स, ते इधर फिर दोबारा सेम फॉर्मूला लगेगा यू इंटू वी फॉर्मूला, यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस फिर वी डी डी एक्स ऑफ यू, मतलब है मेरा यू है ते मेरा वी है। कॉज एक्स सेम आएगा, डी डी एक्स असी करना लॉग साइन एक्स का, लॉग साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करने वास्ते तुहानू केड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लॉग यू का, यह मेरा यू होगा एक सामने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लॉग यू का फॉर्मूला, लॉग यू का फॉर्मूला की होएगा वन ओवर यू डी डी एक्स ऑफ यू, यू की जगह की आता पे मेरे को साइन एक्स, वन ओवर साइन एक्स नाल डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस फिर लॉग साइन एक्स सेम आएगा, डी डी एक्स असी करना कॉज एक्स का, तो कॉज एक्स की डिफरेंशिएशन होंगी है माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स की डिफरेंशिएशन होंगी है माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स में उपर वन ना मल्टीप्लाई कर देना, उपर कॉज एक्स नीचे साइन एक्स सेम आएगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होंगी है कॉज एक्स, ए माइनस में असी प्लस दिएगा इतने माइनस पा लेना है, ए वाला साइन एक्स अगे लिख लेना है तो यह लोग साइन एक्स सेम आएगा, तो जरा इधर वाई है वाई में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा बाहर वाई आ जाएगा, इधर डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा, जरा वन ओवर वाई है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया उपर आ गया वाई, तो वाई की वैल्यू की लगा लेनी है जो असी अज्यूम किया साइन एक्स रेज टू पावर कॉज एक्स की, ठीक है साइन एक्स रेज टू पावर कॉज एक्स, बाकी है कॉज एक्स ओवर साइन एक्स में असी कॉट एक्स पा सकते हैं, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स कॉट एक्स होंगे, ठीक है मैथड सेम है, पहला वेरीएबल रेज टू पावर वेरीएबल है लॉग लेना है, फिर लॉग एम रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला भी लगना है, जो डिफरेंशिएशन करनी है इधर यू इंटू वी फॉर्मूला लगना है, तो इधर लॉग वाई दी वन ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। एक होर एग्जाम्पल देखते हैं ये रिलेटेड ही है, एग्जाम्पल की है मेरे को डिफरेंशिएट लॉग एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स के उपर पावर लॉग एक्स है, वेरीएबल के उपर वेरीएबल है, पहला तेन वाई मन के चलेंगे, लैट वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड से लॉग ले लेना है, वाई के नाल भी लॉग ले लेना है, इधर लॉग एक्स की पावर एक्स के नाल भी अगे लॉग लगा लेना होगा, ठीक है फॉर्मूला लॉग एम रेज टू पावर एन, पावर अगे आ जाएगी लॉग एक्स अगे आ जाएगा, तो इतने बचेगा की फिर लॉग एक्स जरा इकट्ठा है वह सेम रहेगा, लॉग एम रेज टू पावर एन पावर अगे एन लॉग एम, तो इधर लॉग वाई सेम आएगा, हूँ डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पैक्ट टू एक्स, लॉग वाई की डिफरेंशिएशन दोबारा फिर वन ओवर वाई नाल डी वाई ओवर डी एक्स, इधर असी यू इंटू वी फॉर्मूला लगाना, यू इंटू वी फॉर्मूला, लॉग एक्स सेम रहेगा, डी डी एक्स असी कि करना है लॉग एक्स का, तो यू सेम डी डी एक्स ऑफ वी प्लस फिर वी सेम आ जाएगा, डी डी एक्स कि करा यू का, मतलब इन यू मन के चलना है, ए लॉग एक्स में असी पूरे वी मन के चलेंगे, ए यू तो है वी, यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी डी एक्स ऑफ यू, लॉग एक्स का लॉग एक्स आएगा, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन वास्ते फॉर्मूला लगेगा लॉग ए यू होगा मेरा, लॉग के नाल जो होगा यू मन के चल पो, जिस तरह पिछले जो लॉग साइन एक्स सी, लॉग यू की डिफरेंशिएशन होंगी वन ओवर यू नाल डी डी एक्स ऑफ यू, प्लस लॉग साइन एक्स सेम आएगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना आएगा वन ओवर एक्स, डॉट का साइन है लॉग एक्स ना लॉग एक्स कट्टे जा सकते हैं, फिर जरा वन ओवर वाई है इधर लेके आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट कि बचेगा एक वन मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कि होंगे वन ओवर एक्स, ए वाला वन सेम आ गया, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कि होंगे वन ओवर एक्स, लॉग एक्स का लॉग एक्स ही आ गया, बल्ले वन ओवर एक्स में असं पहला लिख लेंगे, फिर इतने वाई की वैल्यू लगा लेनी है, वाई की वैल्यू की गई शुरू में जो मन के चले से लॉग एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, ठीक है और असं इतने लास्ट के एंड से वाई की वैल्यू लगा लेनी है लॉग एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, ब्रैकेट के वन ओवर एक्स में वन ना मल्टीप्लाई करा वन ओवर एक्स प्लस कितना आएगा वन ओवर एक्स से लॉग एक्स, जिन्हें भी असं एग्जाम्पल्स देखिया दे तो ध्यान देखो हरेक लॉग लेना है शुरू में हरेक सम्स लॉग लेना है, फिर फॉर्मूला भी लगता पे लॉग एम रेज टू पावर एन का एन लॉग एम, फिर डिफरेंशिएशन यू इंटू वी फॉर्मूला भी लगता पे, ठीक है यू इंटू वी फॉर्मूला भी डिफरेंशिएशन लगता पे, हूँ ये मैं सम्स देन लग्या ए मेरे को समझ है डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, पहला है एक्स रेज टू पावर अंडर रूट एक्स, दूसरा है एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स, फिर एक्स रेज टू पावर अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, यदा मैं हिंट थोड़ा जहा देन लग्या वा, हूँ मेरे को स्टेटमेंट हैगी है पहला तेन मैं वाई मनागा, लैट वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर अंडर रूट एक्स, तो उपर एक्स है ये आएगा मेरे को वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स का मीनिंग पता ही है, जे असी स्केयर रूट का साइन हटाइए वो जगह पावर कितनी लिखनी पैंती है वन ओवर टू,
तो जरा बाहर वाला एक्स है वो सेम रहेगा। ठीक है, यह तुम्हें पता होना चाहिए एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो एक अंदर हो दोनों आपस से मल्टीप्लाई हो जाए। ए वाला एक्स तो एक्स ही रहेगा, एक्स की पावर 1/2 ने एक्स नाल मल्टीप्लाई होना है, एक्स की पावर 1/2 ने एक्स नाल मल्टीप्लाई होना है। यह लोअर क्लासेस का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी लिखन लगे मैं, एक्स रेज टू पावर एम इंटू एन हो, एक्स रेज टू पावर कितना होता है एम एन, एम ते एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यह मेरा एम है मेरा एन है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वाई इज इक्वल टू एक्स ने एक्स ही रहना है, हूँ यह भी एक्स है भी एक्स है, बिच मल्टीप्लाई साइन है, जे बेस सेम हो पावर एड हो जाए, एक्स की पावर आ जाएगी 1/2 + 1, मेरे को आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स 1/2 बिच 1 ऐड करा एलसीएम लैके तो कि आ जाएगा 3/2। मेरा सम इतों शुरू हो गया, हुण है मेरे को वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है, दोनों साइड से लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग वाई इधर कितना आ जाएगा लॉग एक्स रेज टू पावर 3/2। अगला स्टेप इधर लॉग वाई ने लॉग वाई ही रहना है, इधर फॉर्मूला लॉग एम रेज टू पावर एन, यह सारा ही एन है जो भी, मतलब लॉग के नाल जी वैल्यू होंगी है वो उपर जो भी टर्म पावर होएगी टर्म वो सारी एन होगी, ये सारे ने अगे आ जाना है। लॉग एम रेज टू पावर एन का फॉर्मूला होंगे एन लॉग एम, ठीक है, एन लॉग एम, लॉग एक्स सेम रहेगा, हूँ इस यू इंटू वी फॉर्मूला अगे तो ही आप ट्राई करना है। ठीक है, लॉग वाई की डिफरेंशिएशन, इस तो बाद डिफरेंशिएशन ही करनी है, लॉग वाई की 1/y dy/dx यू इंटू वी फॉर्मूला लगा देना है।